हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन अलग तरीके से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। खैर, कुछ रेसिपी हमारी इस तरीके से है। चिकन हमने लेना है, ऐसे एक कटोरे में डाल दें और उसके ऊपर से हमने दही डालना है, एक स्पून ऐसे। इसमें हमने डालना है ये, हमने इसमें इसमें ज़रूर नमक लिया ज़रा सा, हल्दी ऐड करनी है। मैं काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, लाल मिर्च मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। काली मिर्च इसमें हमने डालना है, गरम मसाला और रेड मिर्च ज़रा सी डालनी है सिर्फ कलर के लिए। और इसको हमने भगो के रख देना है, एक घंटे के लिए रख लो, दो घंटे के लिए रख लो, बेशक आधे घंटे के लिए रख लो। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ रेड मिर्च रहेगी जो कि मैंने इस पर ज़रूर डालनी है। ये हमारे पास होगी रेड मिर्च, में ज़रा सी ले लें सिर्फ। मैंने इसको ऐसे करके थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसमें ना जल्दा बचे चिकन में, ऐसे करके। बहुत सिंपल रेसिपी है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में एक घंटे के लिए, बाकी अब मैं दूसरा मसाला तैयार कर लूँगी। ये हमने ले लिया 2 अदद प्याज, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, और ये है हमारे पास अदरक के पीसेस जो कि हमने ऊपर से डालने हैं। ये वो चिकन है जो हमने भगो के रखा था, ये हो गया है, इसको एक घंटा भगोएंगे। ये कढ़ाई है, कढ़ाई में डाल रहे हैं हमें घी। अगर हिसाब नहीं ना लगता तो आप ये इसका हिसाब भी रख सकते हैं। 1 चम्मच ये हाफ लिए, ये डालती है क्या क्या, मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, को खोल है लाइट करना है, ब्राउन लाइट बिल्कुल। इसमें ना मैं लहसुन अदरक सागरी डाल देती हूँ, थोड़ी देर बाद 5 मिनट हुए हैं, साथ नहीं है बिल्कुल। ऐसे ये लहसुन अदरक हो गया, ये भी साथ ही ब्राउन हो जाएगा। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपकी उंगलियाँ काली हो जाएगी बहुत ज़्यादा ब्राउन करने से, लाइट सा करना है बिल्कुल।
ये हमारे पास हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और फिर हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर सब्ज़ी अच्छे, इसको अच्छी तरह हमने मसाला बनाना है, उसके बाद हमने चिकन को डालना है। टमाटर दबा रही हूँ कि मसाला अच्छा से बन जाए। जिसको मसाला बनाना आ जाता है उसको भुजिया भी बनानी आ जाती है। हम इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। मैं इसमें हल्का सा पानी का छट्टा लगा रही हूँ। पानी का छट्टा लगा के ना फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक दो, लेकिन पास ही रहना है, ऐसा ना हो कि आपका मसाला नीचे लग जाए, क्योंकि मसाला बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। ये इसको ढक दिया, आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी ताकि नीचे ना लगे। कुछ ऐसा मसाला बनाए, फिर मैं चिकन डाल दूँगी। ये वाला जिसमें हमने धो के जो दही में रखा था, लहसुन अदरक वो सारा मसाला डाल के, इसका अपना बहुत पानी निकलेगा और चिकन जल्दी गल जाता है, इसमें पानी को मैं नहीं डालना। इसको मैं अब ढक दूँगी। ये देखें जो हमने दही डाली थी वो सारी पानी बन गई, इसलिए हमें पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। इसको मैंने दिखाने के लिए ढकना लगाया था, मैं फिर ढकना लगा रही हूँ। ये दूसरी तरफ मैं फारिग नहीं खड़ी के चल, दूसरी तरफ मैं बर्तन धोने लगी हूँ ताकि साथ साथ मेरा काम ख़त्म हो जाए, टाइम ज़ाया किए बिना। मैं किचन में आऊँ तो मैं फारिग नहीं खड़ी होती, मेरे हाथ चल रहे होते हैं लगातार, एक मिनट के लिए भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। हमारे पास पानी हो गया खुश्क, और ये जब हमारे पास ऑयल हो जाता है हंडिया से अलग, तो इस सूरत में हंडिया हो जाती है तैयार। अगर ऐसा बनाना हो तो, शोरबा बनाना हो तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है, लेकिन ये देखो ना ऑयल मैं ऐसे बना रही हूँ ग्रेवी वाली, तो ये ऑयल हमारे पास बिल्कुल अलग हो गया, इसका मतलब हमारे पास हंडिया हो गई है तैयार। और इसके ऊपर मैं डाल लूँगी ये अदरक और सब्ज़ मिर्च, इस तरह करके। हरा धनिया आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही। खैर मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।